अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर सो ब्यूटीफुल फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी बॉल्स। मैगी अक्सर हम बॉईल करके खाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस इसमें डाल देते हैं, तो आज मैं आपको झटपट बनने वाले मैगी स्नैक्स बनाना सिखा रही हूँ। इंटरेस्ट में ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए क्रिस्पी मैगी बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 अदद पैकेट मैगी के। चटपटा फ्लेवर मैंने लिया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैगी को बॉईल करते हैं। 1.5 कप मैंने लिया है पानी। पानी में 2 पैकेट मैगी के ऐड कर रही हूँ। टेस्ट मेकर अभी हमने ऐड नहीं करना, इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेते हैं। और ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है, फ्लेम को करते हैं ऑफ। अब मैं मैगी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज। और बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और अब इसमें मैं 3 पैकेट टेस्ट मेकर ऐड कर रही हूँ, 2 पैकेट मैगी जो हमने बॉईल किए थे, 1 पैकेट मैगी जो हम क्रश करेंगे। एंड पे कोटिंग के लिए उन 3 पैकेट के टेस्ट मेकर हम अभी ऐड कर रहे हैं। अब इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं। अच्छा, इसमें मैं नमक नहीं ऐड कर रही क्योंकि टेस्ट मेकर में ऑलरेडी नमक होता है, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें रेड चिलीज ऐड कर सकते हैं। और अब बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने बॉल्स बनाने हैं। 1 बाय 1 करके सारे बॉल्स ऐसे ही बनाने हैं। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। अब जो 1 पैकेट मैगी हमने बॉईल नहीं किया था उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। और हम मैगी बॉल को कोट कर लेते हैं क्रश की हुई मैगी से। सेम प्रोसेस रिपीट करना है सब मैगी बॉल्स के लिए। और ये सब बॉल्स की कोटिंग हो चुकी है। एक पैन में ऑयल ले रही हूँ, इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके सारे बॉल्स इसमें डालने हैं। अच्छा, फ्लेम को बिल्कुल लो करना है ताकि सारे बॉल्स अंदर तक कुक हो जाएँ। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दोनों साइड से बराबर कुक हों। और ये मैगी बॉल्स हो गए हैं तैयार, फ्लेम को करते हैं ऑफ और सर्विंग डिश में इनको निकाल लेते हैं। इफ्तार के साथ साथ आप बच्चों को लंच में भी ये बना के दे सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरी अम्मा मुझे मैगी बॉयल करके देती थी। तो क्या होता था, जब तक ब्रेक होती थी तब तक सारी मैगी ठंडी और चिपक जाती थी। सारी मैगी का टेस्ट बहुत ही अजीब हो जाता था, तो इसीलिए आप बच्चों को लंच में ज़रूर बना के दें। एक तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।